You must change your pants, and you have if anything something tied to in your waist, that will be good. Yeah, Otherwise, you so will be in struggle that's maybe. not the problem. Yeah. हो सकता है गोवा में आप बहुत बार आए हों लेकिन इस सेक्रेट लेक को नहीं घूमा हो, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं आपको गोवा की सीक्रेट लेक में ले चल रहा हूँ, जो कि अरम्बोल बीच के पास है। कुछ लोग इसे स्वीट वाटर लेक अरम्बोल भी बोलते हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊँगा। ये कहाँ पर है, आप कैसे जा सकते हैं, और इसके पास क्या क्या है, और यह इतना फेमस क्यों है। नो दीज पीपल बट मे बी आई विल सेंड यू आफ्टर फ्यू वीक्स। यू वर बी इन माई थंबनेल, ओके थंबनेल, यू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं स्वीट वाटर लेक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन इसके पहले ही एक ये बीच है छोटा सा, जिसे कालचा बीच कहा जाता है। आप ध्यान से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत ही रॉक्स बीच है, बहुत ही सारी रॉक्स है जहां पर आप अच्छी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लेक की तरफ, और अब मैं लेक पहुंच गया हूं। वो सामने जो कालचा बीच था, मैं वहां से आया हूं और लोग अभी भी आ रहे हैं। तो यहां पे लगभग अगर आप 2 बजे तक आओगे ना, तो यहां पे दोपहर होते ही भीड़ बढ़ती जाती है। अगर आप सुबह आ जाओगे तो यहाँ पर भीड़ नहीं रहेगी। यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पर बेड जो लगे हैं इनमें बैठने का 100 रुपीज पर बेड देना पड़ेगा। अब मैं आपको लेक का व्यू दिखाता हूँ, जो हार्ट से लेक है कह सकते हैं, क्योंकि तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो ये आप देख सकती हैं, ये लेक का व्यू, बहुत ही सुंदर लेक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाटर है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं, विदेशी के साथ साथ देसी लोग भी अपनी छुट्टियों का, अपनी गोवा ट्रिप का एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ज़रूर आना चाहिए, गोवा की स्वीट वाटर लेक बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अच्छी लेक है। एलेना पक्का पक्का पका पका इस पास ही हुआ। तो मैं इन रसिन लोगों को गाइड किया था, इसलिए मैंने अभी बोला एलेना पका पका। एलेना पका पका मीन्स एलेना बाय बाय, जो कि अभी जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कोकोनट ट्रीज एंड बहुत कुछ, लेकिन अभी मैंने देखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एलेना आ रही है, गुड, अभी ये लेकर जा रही है। बहुत ही अच्छा काम किया इसने, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कचरा फैला के चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आना है और यहाँ पर इंजॉय करना है, उसके बाद चले जाना है बिना कचरा फैलाए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।